हेलो लवली पीपल्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पीपल्स क्यों बोला, क्योंकि आज का वीडियो बेस्ड है सभी एज ग्रुप्स के लिए। आज की दौड़ धूप भरी जिंदगी में सभी के लिए जिम जाना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट, जिससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी, अपने माइंड को कूल एंड काम और अपने पूरे दिन को फ्रेश बना सको। सो गाइस, मैं हूं ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह और स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लेट्स बिगिन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज को आपको 30 सेकंड तक करना है और साथ में 10 सेकंड का पॉज लेना है। सो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जो की है जंपिंग। और हाँ, मैं आपको जंपिंग के साथ में उससे होने वाले बेनिफिट्स, जो भी एक्सरसाइज मैं करूंगा उससे होने वाली बेनिफिट्स को भी साथ में गिनाता जाऊंगा, ताकि आपके लिए और भी हेल्पफुल हो। सो गाइस, जंपिंग एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है कि आपके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, और जैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे वैसे ही आपके पैर भी फैलेंगे, और जैसे आपके हाथ नीचे आएंगे तो आपके पैर भी नीचे आएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना जनरेट होगा। सो गाइस, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, जो कि है स्क्वाट। आइए शुरू करते हैं गाइस। स्क्वाट्स आपने क्या करना है कि जो आपकी जमीन होगी और जो आपकी थाइज होगी, जब आप नीचे बेंड होंगे तो दोनों पैरेलल होना चाहिए। आप अपने हाथों को आगे भी कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों को चेस्ट के यहाँ से भी रख सकते, यहाँ पे भी रख सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज इज प्लैंक। प्लैंक में आपको दो एक्सरसाइज बताऊंगा, एक थोड़ा सा एडवांस है और एक बिल्कुल बेसिक्स। गाइस, प्लैंक में आपने क्या करना है, आप पोजीशन देख सकते हैं। प्लैंक होल्ड करेंगे आप, पूरा वेट आपके कोर पे आएगा, आपके कंधों पे आएगा। इससे क्या होगा कि आपके कोर पार्ट जो है वो बहुत मजबूत होगा, और साथ में जो वहाँ पे फैट भी है वो भी कम होगा। बेली एरिया के लिए ये बहुत ही कारगर है। और एक और इसमें एडवांस वर्जन भी है, लो प्लैंक टू हाई प्लैंक, आप ये भी कर सकते हो। फोर्थ है पुशअप। पुशअप्स में आपको मैं दो एक्सरसाइज बताऊंगा, फर्स्ट बेसिक, और अगर आपने पुशअप्स पहले से किए हैं तो लिटिल बिट एडवांस हो जाएगा। पुशअप्स में आपने क्या करना है कि अपने हाथों को शोल्डर विथ डिस्टेंस पे लेना है, और आपको आगे आना है, झुकना है नीचे तक, और साथ में आपको कोर एरिया से ऊपर उठने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपके शोल्डर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ जनरेट होगी, जो शोल्डर्स की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, साथ में आपका कोर पार्ट भी उतना ही मजबूत होगा। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर फिफ्थ, जो कि है बाइसिकल क्रंच। ये एक्सरसाइज करने से आपका कोर पार्ट मजबूत होगा, और साथ ही आपके लेग्स में भी स्ट्रेंथ जनरेट होगी, आपकी थाइस पे भी इसमें असर हो रहा होगा, आपने फील किया होगा। सो गाइज, लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज स्ट्रेच। स्ट्रेच में आपको मैं बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। स्ट्रेचिंग बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है गाइज। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्ट्रेच जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में चोट वगैरह लगती है या कहीं पे भी कोई भी बॉडी पार्ट खिंच जाता है या मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, तो स्ट्रेच करने से उसमें आराम मिलता है। साथ ही साथ ये स्ट्रेस को भी कम करता है और आपकी हाइट ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल है। सो
गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ गाइज, सॉरी फॉर प्रीवियस वीडियो, जो मैंने वादा किया था आपसे कि पुशअप्स वाला वीडियो आपको मिलेगा, वो न्यू ईयर के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको इस वीक में मिल जाएगा गाइज। सो वेट एंड वॉच, और देखते रहिए, लेट्स बिगिन।